भाई आज हम खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। तो अभी ये वाला खेत हमारा आप देख सकते हो जुत रहा है। मैंने इसमें हेल्पर लगा दिया है देखो। तो इस वाले खेत को मैं प्लाव से जोत रहा हूँ देखो। तो अभी ये जुतन तब तक जुतेगा तब तक मैं एक काम करता हूँ। कुछ कहाँ गया हमारा सोनालिका ट्रैक्टर, ए रहा। तो भाई इसमें मैं लाइम भर के लाता हूँ। तो लाइम स्टेशन भाई यहाँ से काफ़ी दूर है, तो पहले लाइम भरने के लिए चलते हैं, फिर आपको लैम छिड़कना है। तो हमारे एक खेत और है बहुत बड़ा, तो उसमें भाई बहुत दिनों से डला हुआ है वैसे ही फालतू। तो पहले मैं उसमें लैम छिड़क देता हूँ। तो लैम स्टेशन भाई बहुत दूर है यहाँ से, तो जल्दी से पहले तो लैम लेकर आते हैं। तो इस ट्रैक्टर की स्पीड भी भाई बहुत बढ़िया है यार, 100 की स्पीड है। तो चलते हैं यार, फिर जल्दी से भर के लाते हैं। फुल स्पीड दबा के रखी है मैंने तो उसकी, तो अभी थोड़े से ही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए अपने लाइम स्टेशन पर, ये देखो। तो यहाँ से हम भर के ले जाएंगे इसमें लाइम। तो ये रहा कुछ लाइम का किलो है ये, इसमें भाई लाइम भरा हुआ है। तो इसमें पाइप पाइप तो भाई कुछ नहीं दिख रहा, वैसे ही भर जाएगा। तो आर दबाते हैं और इसको भरते हैं। ये रहा हमारा लाइम। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है वो भर जाती है देखते हुए, कुछ नहीं है सिर्फ लाइम है। तो भरते हैं भाई इसको फुल करके ले जाएंगे, क्योंकि लाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो काफ़ी दूर भी है वैसे तो हमारा ये सिलो लाइम स्टेशन हमारा, तो एक बार ही इसको भर के ले चलते हैं। तो आराम से हमारे एक बड़े वाला खेत है उसके लिए हो जाएगा शायद, अगर नहीं होगा तो गाई इस फिर से आना पड़ेगा। और अभी इसमें कितना बन गया भाई, 11,000 लाइम बन गया, और ये हो गया भाई 80%। मेरे हिसाब से इसमें 15,000 की समथिंग बन जाएगा। तो भाई इसमें 15,000 से ऊपर बन गया, 15,600 लाइम बन गया इसमें हमारा। तो अभी चलते हैं लेकर। तो लाइम स्टेशन भाई बहुत दूर है यार। तो गाइस अभी हम जस्ट पहुंच चुके हैं भाई अपने खेत पर। तो भाई इसके मतलब पास में ही हमारा खेत है। तो ये गया है हमारे खेत के लिए रास्ता, ये रहा। और सामने शायद आपको खेत दिख रहा होगा, ये आ गए हम अपने खेत पर। भाई इसमें छिड़कना है पहले तो हमको लाइम। तो यहाँ पर शायद इतना एरिया कवर कर लेगा एक बार में, क्योंकि ये बड़ी मशीन है भाई, तो आराम से इतना ही रिकवर कर लेगी। तो पहले इसको अनफोल्ड करते हैं। ओके अब छिड़कते हैं लाइम। तो अब शायद पूरे पे आ रहा होगा, यस पूरे खेत पे भाई आ रहा है, आराम से कवर कर ले रहा है इतना एरिया देखो आप। तो बस पहले इसमें पूरे में लाइम छिड़कना है। तो अभी देख सकते हो क्लाइम हमारा कितना ख़त्म हो गया, इसमें 95% बचा हुआ है। ट्रैक्टर चल रहा है भाई 20 की स्पीड पर। तो करते हैं यार जल्दी से इसमें पूरे में लाइम छिड़कना। मेरे हिसाब से तो इसमें 2 बार जाना पड़ेगा शायद मेरे को लाइम भरने के लिए।
तो गाइस अभी आप देख सकते हो इतना स्प्रे हो गया है, और इतना स्प्रे होने के बाद हमारा ने लाइम है वो ख़त्म हो गया। तो फिर से यार लाइम भर के लाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी जगह और रहेगी। हमारा लगभग 70% खेत, मतलब लाइम हमने छिड़क दिया है 70% खेत में, थोड़ा सा और बचा है यार। तो मतलब दो बार का और बचा है, एक साइड से जाएगा एक साइड से आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें हेल्पर ही लगा देता हूँ, तो वहाँ तक भाई बहुत दूर तक यार जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर हेल्पर सेट होता है तो लगा देते हैं। नो भाई नो, हेल्पर है टास्क कंप्लीट लिख कर आ रहा है, नहीं होगा हेल्पर, नहीं लगेगा यार। लग गया यार हेल्पर, लग गया। ओ भाई हेल्पर क्या कर रहा है हेल्पर यार, इसमें फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहा था, और जबकि मैंने भाई लाइम को सेट किया था। तो हेल्पर लाइम नहीं छिड़केगा, हेल्पर सिर्फ खेत को फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइज हमको नहीं करना यार, हमको इसमें लाइम छिड़कना है। तो भाई लाइम भरने के लिए हमको जाना पड़ेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लाइम नहीं डाल सकते इसमें। एक बार देख लेता हूँ अगर यहीं से डायरेक्ट लाइम भर जाए तो। नो इस यहाँ पे, हाँ यस वही लाइम डल सकता है। ओके फिल हो गया हमारा ट्रेलर। तो वह वैसे ही भाई जाना पड़ा पिछली बार लाइम स्टेशन पर, तो भाई जाना भी सही रहता है वैसे, मतलब ऐसे लाइम तो नहीं भरता है। तो एक ये तरह का मतलब शॉर्ट रास्ता है, अपन कहीं भी जाने जाए बिना भी अपन लाइम वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइम डाल लिया देखो, वरना मेरे को स्टेशन पर जाना पड़ता लाइम स्टेशन पर। तो वैसे गेम पे यार मज़ा जब ही आता है जब जहाँ पर इसका स्टेशन हो वहाँ से हम भर के लाएँ, तो कुछ मज़ा अलग ही होता है। और ये मैंने अभी यहीं से भर लिया, तो इसमें इतना कुछ खास मज़ा नहीं रहता। तो ये फर्स्ट टाइम तो मैं वहाँ तक भर के लाया था, तो इस बार थोड़ा सा बचा हुआ था खेत, इसलिए मैंने यहीं पर ये भर लिया। तो चलो भर लिया तो कोई नहीं, इसको छिड़क देते हैं, दो बार का काम और है। ओके यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये लो, मैं इसलिए थोड़ी मतलब कम जगह पैसे इसको मतलब कम जगह से छिड़क रहा हूँ क्योंकि ये सही से आ जाए, नहीं तो कहीं कहीं बार क्या होता है कि बहुत जगह जगह छूट जाती है इसीलिए। तो भाई ट्रैक्टर हमारा सिर्फ 20 की स्पीड पर जा रहा है, लाइम छिड़कते छिड़कते अभी 95% बचा हुआ, कुछ ख़त्म हो गया। इसमें शायद दो बार और आना पड़ेगा और इस खेत का काम हमारा हो जाएगा भाई कंप्लीट। थोड़ा बहुत इसमें से बचेगा वो हम अपने फार्म पे ले जाएंगे और वहाँ पर छिड़क देंगे थोड़ा बहुत लाइम। तो अभी ट्रेन देखो अभी निकल चुकी है भाई, तो हम भाई ट्रेन पर मतलब कुछ भी चीज़ लोड भी कर सकते हैं ट्रेन में, अपना ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ लोड करके ले जा भी सकते हैं। तो ट्रैक्टर हमारा बिल्कुल राइट चल रहा है, देखो फिक्स चल रहा है। तो यहाँ पर भाई सामने थोड़ी सी फसल यार खड़ी रहेगी, ये शायद मैंने काट नहीं पाई है यार,
इसका यार ध्यान भूल गया मेरे को यार। देखो इसमें भी हमने लाइम छिड़क दिया, ये लो। भाई ए लो, लाइम कंप्लीट हो गया है। बंद कर देते हैं इसको, वरना हमारा लाइम फालतू जा रहा था। अभी चलते हैं सीधे ए। देखो भाई, ये हमारा खेत ना बिल्कुल पहाड़ की तरह बना हुआ, एकदम बिल्कुल एकदम ढलान पे। ये देखो ट्रैक्टर की जान निकलती है इसको चलने में। सीधा चलाते हैं यहाँ से और ऊपर से चढ़ाएंगे इसको। लाइम हमारा 55% नहीं, 54% बचा हुआ है। ये देखो ट्रैक्टर की कितनी जान लगती है इसको चढ़ने में, बहुत ज़्यादा। तभी मैंने इसको अनफोल्ड नहीं किया, क्योंकि अभी फिर इसको फोल्ड नहीं किया, सॉरी, मैंने फिर इसको अभी अनफोल्ड करना पड़ता। ये लो भाई, बस ये डर लग रहा है कहीं स्टीयरिंग का कंट्रोल फेल ना हो जाए। वही हो गया भाई, ये तेरी यार, बच गया यार, पलटते पलटते बच गया ट्रैक्टर। तो इस साइड से शायद निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इसको फोल्ड कर लेते हैं तो निकल जाएगा। ज़्यादा स्पीड मतलब ले जाते हैं तो भाई यही हाल होता है, ट्रैक्टर हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है और कुछ पता नहीं ट्रैक्टर किधर को मुड़ जाएगा। तो ये आगे भाई हम अपने फार्म पर, सामने आपको दिखने लगे होंगे हमारे ट्रैक्टर ट्रेलर वगैरह सब कुछ। एक ट्रैक्टर बीच सड़क पर रखा हुआ है, इधर हार्वेस्टर रखी है मैसी वाली, सामने न्यू हॉलैंड रखा हुआ है, एक खड़ा हुआ है गन्ना, गन्ने की तो ऐसी तैसी कर दी मैंने। रुक जा भाई, हॉलैंड, ओ तेरी, खेत हमारा भाई जितने ही वाला था थोड़ा और रह गया, तभी मैं इसमें लैम्प छिड़क देता हूँ। यू फर्स्ट नीड यू अनफोल्ड, ओके, अनफोल्ड कर लिया लाइम भाई, स्टार्ट कर दिया मैंने। चल भाई ये लो, अभी इस वाले खेत के लिए तो आराम से हो जाएगा। तो ये हेल्पर भाई भाग गया है देखो, वरना अभी तक ये खेत बिल्कुल नहीं रहता। हेल्पर भग गया आधा खेत जोतने के बाद, पता नहीं कहाँ गया। तो ये थोड़ा सा रह जाता है, इसको बाद में कर देंगे। इस खेत के लिए हमारा लाइम होना चाहिए, वैसे हो जाएगा आराम से। हेलो, तो बीच बीच में थोड़े से यार रह जाती है जगह, उसको हम बाद में कर देंगे सही से। भाई पता नहीं यार हेल्पर क्यों भाग गया यार इसको। ये लो सीधा कर देते हैं हम यहाँ से। तो अभी मेरे को 2 राउंड और मारने पड़ेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला खेत भी। एक बार यहाँ से जाएंगे, फिर उस साइड से आना पड़ेगा शायद, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह यार रह जाती है कभी कभार। इधर रह गई है थोड़ी जगह यहाँ पे,
पूरा लाइम हम इसमें ही छिड़क देते हैं भाई। यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह रह गई है, अब चलते हैं सीधे सामने, थोड़ी जगह और रह गई है। तो भाई ये लो हमारा लाइम का काम कंप्लीट हो ही गया। आखिर में दोनों खेत में हमने लाइम छिड़क दिया है, देखो। ये लो भाई, ओके। अब बंद कर देते हैं भाई मशीन को, होल्ड कर लेते हैं इसको ताकि कहीं पर भी टकराए ना, इसीलिए। तो भाई लाइम का काम कंप्लीट हो गया, ट्रैक्टर हमारा रख गया है। तो आज के इस गेम प्ले को भाई यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट गेम प्ले में हम शायद इस वाले खेत में कुछ बोएंगे। तो ये रहा हमारा सोनल का साथ DI। तो इस गेम प्ले को एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।